पंद्रह साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रमन सिंह जी के राज में पूरे देश में नक्सली हब के रूप में छत्तीसगढ़ को जाने जाना लगा था आज भी भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है तो ये नक्सली घटनाओं के लिए कोई काम कर कर सकेंगे ऐसा दिखता नहीं नहीं है आदिवासियों को नक्सली कर नहीं, आ, शूट कर दिया जाता। दो तरफा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और तिल का ताड़ बनाने का काम करती है उनका मुख्यमंत्री भी है आदिवासियों का नाम तो आदिवासियों का लेते हैं लेकिन आदिवासियों के नाम पे आदिवासियों का ही शोषण कर रहे हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है नक्सल उन्मूलन में सहयोग करने के बजाय परेशानी पैदा कर रही है उनके बयानों से जवानों और सुरक्षा बलों के मनोबल में कमी आ रही है उन्होंने दीपक बैस जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उससे उन्होंने कहा है कि इस मामले में सुझाव दें आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं इन पूरे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव डहरिया जी यहाँ मौजूद हैं जो पूर्व मंत्री हैं और अभी लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नक्सली उन्मूलन के लिए भारत जो काम कर रही है शायद सरकार उसमें आप लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं रोड़ा पैदा कर रहे हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी सीधे नक्सली उन्मूलन का काम कभी करी नहीं है पंद्रह साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रमन सिंह जी के राज में पूरे देश में नक्सली हब के रूप में छत्तीसगढ़ को जाने जाना लगा था और सबसे ज़्यादा नक्सली घटनाएं उन्हीं की सरकार में हुई आज भी भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है और गांव-गांव में चोरी डकैती हत्या बलात्कार जैसे यहाँ रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक में शंकर नगर चौक में लूट हो जा रही है चाकूबाजी हो जा रही है तो ये नक्सली घटनाओं के लिए कोई काम कर सकेंगे ऐसा दिखता नहीं है आप हम हमेशा कांग्रेस पार्टी नक्सली उन्मूलन के काम हमेशा करी है और हमारे सरकार जब थी तब तक नक्सली घटनाएँ इस तरह की कभी नहीं हुई जो आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रही है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के हितों का काम करती है आदिवासियों को नक्सली बांध कर नहीं सूट कर दिया जाता आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हो और आप आदिवासियों को जो गरीब आदिवासी हैं उनको नक्सली के नाम पे दे आज विजय गलत तो बात है आज विजय शर्मा ने यह भी बात कही कि पहले भूपेश बघेल बोल रहे थे कि 29 नक्सलियों को जो मारे हैं उसमें ग्रामीण थे फिर नक्सलियों का जब पत्र आया तो फिर कांग्रेस पलट गई इस मामले में अभी फिर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर पलटेंगे इस तरह की बात कर रहे हैं ये हमेशा दो तरफा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और तिल का ताड़ बनाने का काम करती है ये जो बारह नक्सली अभी मारने की बात कर रहे हैं उसमें दस लोग जो हैं हमारी जांच टीम गई थी और जांच टीम ने सब लोगों से गांव वालों से पूछा है वो दस लोग जो है वो वहाँ गांव के हमारे तेंदुतत्ता पत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाई हैं उनकी हत्या की गई क्या हम उस बारे में भी नहीं बोलेंगे हम हमारी सरकार थी हमने आदिवासियों को जिनको नक्सली के नाम पे जेलों में बंद करके रखा था जांच हुई तो पता चले कि वो निर्दोष ग्रामीण है तो उनको भी हम लोगों ने छोड़ा आदिवासियों के हितों का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए उनका मुख्यमंत्री भी आदिवासियों का नाम तो आदिवासियों का लेते हैं लेकिन आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों का ही शोषण कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है आप लोगों ने गाँव को के इलाज के लिए उनकी ठीक से व्यवस्था हो आवारा गांव पशु जो उनके लिए आपने गौठान की व्यवस्था की थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सवाल उठाया घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया अब गौ वंश वो शुरू करने जा रही है क्या कहना है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मैं तो वही कह रहा हूँ कि दोहरी राजनीति हम जब गौठान खोलते थे गौठानों का को संचालन कौन करता था हर पंचायत में गौठान की समिति बनी हुई थी उसमें ग्रामीण लोग थे ग्राम के पंचायत के सरपंच थे और हमारे गांव के अन्य लोग जो उस समिति में काम किया करते थे और उसका संचालन बड़े अच्छे तरीके से होता सरकार के तरफ से दस हज़ार रुपया उन गौठानों को मवेशियों के रख रखाव के लिए उनके चारा के लिए दिया जाता था तो वो भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं वो क्या हर गाँव का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है गाँव का हर सरपंच भ्रष्टाचारी है सरकार की तरफ से सीधे अनुदान खातों में दिया जाता था जो खातों में भी मिलता है वो भी इनको भ्रष्टाचारी नजर आता है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं ये तरह में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए अभी भी वहाँ पे स्थिति गंभीर बनी हुई है जो प, लापता लोग हैं उस बारूद फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के जो परिवार के लापता लोग हैं वो द, बैठे हुए हैं क्या कंट्रोल नहीं कर पा रही पूरी स्थिति के लेकर और क्या आप कहना है इस पूरे देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की फैक्ट्रियाँ होती है उसमें सुरक्षा के मापदंड जो होने चाहिए वो होना चाहिए लेकिन इन जो इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं जो बारूद फैक्ट्रियाँ हैं या विस्फोटक अधिनियम के तहत उनको लाइसेंस दिए जाते हैं उनकी नियमित जांच होती रहती है ये जानबूझकर इस तरह से काम करते हैं कि सबको खुला छोड़ दिया जाता है भ्रष्टाचार इनके सरकार में है इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी और अगर घटनाएं हुई तो उनको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए और लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए नक्सली उन्मूलन के लिए नक्सल पुनर्वास नीति के लिए कांग्रेस गृह मंत्री सुझाव मांग रहे हैं नक्सली उन्मूलन अभियान चल रहा है दीपक भैसे भी उन्होंने सुझाव मांगा है आप क्या सुझाव देंगे सरकार को वो उचित प्लेटफार्म में आके बात करें ऐसे चलते फिरते क्या बात होगी जो काम करना चाहिए ठोस उपाय नहीं करते चलते फिरते इस तरह से थोड़ी काम होता है उसके लिए एक नीति बनती है पॉलिसी बनती है और उचित फोरम में आके सुझाव मांगे उनको दिया जाएगा उनको बताया जाएगा कि किस तरह से काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था और उस तरह से काम करे तो निश्चित रूप से नक्सलियों को उन्मूलन का काम होगा चलिए तो ये थे शिव डहरिया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि हम नक्सली उन्मूलन के लिए जो अभियान चला रहे उसमें सहयोग दें तो उनका कहना है कि अगर कोई सुझाव चाहिए तो उचित फोरन में अगर वो सुझाव मांगे तो किया जाएगा रस्ते चलते सुझाव मांगने मांगा नहीं जाता साथ ही साथ जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई है जिसमें बारह नक्सली मारे गए उसमें शिव डहरिया ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया उनका कहना है कि कांग्रेसियों की एक जो प्रतिनिधिमंडल गाँव गया था गाँव वालों से जो बातचीत किया तो उसमें जो बात सामने आ रही है तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उस में से दस जो हैं वो ग्रामीण थे जिसको सरकार बोल रही है कि नक्सली बोल कर, नक्सली बोलकर मान रही है और उसको नक्सली बोलकर मारा गया ये बात कर रही है तो पूरे इस मामले में कांग्रेस का जो रुख है उनका कहना है कि वो भी चाहते हैं कि नक्सली उन्मूलन हो नक्सली अभियान हो नई पुनर्वास नीति हो मगर ये मौखिक ना हो एक ठोस आधार पर हो तो इसमें सहयोग करने के लिए वो भी तैयार है हमारा ये वीडियो हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाजत नमस्कार